अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमकिन है कि प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट शहरयार खान शेरवानी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि अपने प्रोग्राम के अंदर हम आपको नए से नए बिज़नेस आइडियाज़ के बारे में बताते रहते हैं, तो आज हम जिन साहब के पास आए हैं ये प्लास्टिक टैंक्स का काम करते हैं, तो आइए आपको इनसे मिलाते हैं और इनकी मुफीद मालूम आप तक पहुँचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम, सर, आपका नाम? रिजवान शब्बीर अच्छा, रिजवान शबीर साहब, आप प्लास्टिक टैंक्स का काम करते हैं? जी। प्लास्टिक वाटर टैंक्स का काम है मेरा, कब से कर रहे हैं सर आप ये काम? तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए। माशाल्लाह। अरे सर, आप प्लीज़ शुरू से लेकर आखिर तक हमें अपने हमारे देखने वालों को बताएं, अगर वो ये काम करना चाहता है तो किन किन मराहिल से गुजर के ये काम कर सकता है? वाटर टैंक्स के अंदर देखिए जी, इसके अंदर दो तरह की लाइंस हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग है और एक ट्रेडिंग है। तो अगर कोई बंदा इनिशियली इसको स्टार्ट करना चाहता है तो मैं उसको मशवरा दूंगा कि वो पहले उसकी ट्रेडिंग करे। अब ट्रेडिंग करने के लिए इसका एक छोटा सा सेटअप है रिक्वायर्ड, कि आप इसका एक छोटा सा कोई गोदाम ले लें, कोई 5 से 10 हज़ार रुपये रेंट के ऊपर आपको गोदाम मिल जाए। गोदाम लेने से पहले जो मेन काम है इसका मार्केटिंग है। आप अपने एरिया में, जिस एरिया में आपने इसका काम शुरू करना है, उस मार्केट को विजिट करें, वहाँ पर देखें कि इसके अंदर वाटर टैंक्स ब्लू कलर के आते हैं, ब्लैक कलर के आते हैं और वाइट कलर के आते हैं। तो आप अपने एरिया में रिसर्च करें, अपने सिटी के अंदर, पहले आप उसको सिर्फ एक सिटी के अंदर अपने स्टार्ट करें, उस पर रिसर्च करें कि आपके कौन से वाटर टैंक्स आपके एरिया में चलते हैं, ब्लू चलते हैं, वाइट चलते हैं या ब्लैक चलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिमांड। और जो आपको लगे कि मतलब यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड है, ब्लू वाटर टैंक्स की या वाइट की, जो भी वट एवर है, आप फिर उन फैक्ट्रीज़ पर, आपको इंटरनेट पर आप उसको सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी लिंक्स मिल जाएंगे काफ़ी फैक्ट्रीज़ के। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, उनसे अपने रेट्स वगैरह डिसाइड करें। मार्केट के आप ऑलरेडी जब विजिट कर लेंगे तो जाहिर बात है आप उनसे रेट्स वगैरह भी लेंगे, तो आप उनसे रेट्स लेके और अपना पीछे से अपनी फैक्ट्री वालों से अपने रेट्स डिसाइड करें उनसे, और अपना माल थोड़ा सा अपने गोदाम में मंगाएं। आपको इसके लिए इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होगी शुरू में, तकरीबन वो मिनिमम 1 मिलियन रिक्वायर्ड होगी उस, क्योंकि ये काम हमारा जो है 90% माल क्रेडिट का काम है। ये हम पीछे से हम कैश पर परचेज़ करते हैं सारा, और आगे हम इसको क्रेडिट पर भी सेल करेंगे। शॉपकीपर्स क्योंकि ऑलरेडी क्रेडिट पर ले रहे होंगे, जाहिर बात है आपको मार्केट में इन होने के लिए क्रेडिट पर देना पड़ेगा माल। आप अच्छी सी शॉप सेलेक्ट करें, मतलब ऐसी शॉप्स ना हो कि मतलब कि उसके दुकान में फॉर एग्जांपल इतने का माल पड़ा नहीं हुआ, आप उसको ज़्यादा उधार दे दें, कल को वो शॉप छोड़ के भाग जाए या कोई कुछ भी हो जाए, तो आप अपने हिसाब से मतलब उसका देखें कि मतलब वो शॉप किस तरह की, आप उसको उस हिसाब से उसको क्रेडिट दें। कुछ लोग कैश पर भी लेते हैं, कुछ लोग क्रेडिट पर भी लेते हैं, ज़्यादातर 90% ये क्रेडिट का बिज़नेस है। बहरहाल आप उसको पहले आप अपनी फैक्ट्री से फिर रब्ता करें, उसके अंदर अपना माल हर साइज़ के, अब डिफरेंट साइज़ है इसके अंदर, 75 गैलन से लेकर 1000 गैलन तक है, और लीटर्स में जो है 250 लीटर से लेकर ये तकरीबन 2000 लीटर तक चलता है। सबके थोड़े थोड़े साइज़ के सैंपल्स मंगवा के अपने गोदाम में रखें, दुकानदारों को उसके थोड़ा थोड़ा सैम्पलिंग करें, अपनी आउटलेट्स मतलब उसको सिलेक्ट करें। हर मतलब आपका जो जिस तरह फैसलाबाद है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसमें समनाबाद है, बटाला कलोनी है, नॉवल्टी पुल है, और उसके बाद क्या कहते हैं डी ग्राउंड वाली साइड है, पीपल्स कलोनी वाली है, उसमें आप थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो दुकानें सेलेक्ट करें, उसमें अपना अपना सैंपल भेजें। वहाँ पर दुकानदार अगर आपका सैंपल पास कर देता है तो वो आपका माल रखेगा। अब वो उसको दुकानदार के साथ आपकी जो भी पेमेंट्स की शेड्यूल्स तय होंगे वो आपकी हर दुकानदार से डिफरेंट होगी, कोई कैश पे ले रहा है, कोई क्रेडिट पे ले रहा है, कोई डिफरेंट बेनिफिट्स ले रहा है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत पब्लिसिटी मटीरियल बनाना पड़ेगा, अपने विजिटिंग कार्ड्स वगैरह बनवाएं, इसकी रेट लिस्ट एक बनाएं, उसके बाद जो है क्या कहते हैं आप अपने पब्लिसिटी पैड्स थोड़े से बनाएं, ताकि आप दुकानदार को दें, दुकानदार कस्टमर को आगे कन्विंस करेगा। जाहिर बात है वो उसको दिखाएगा कि ये कंपनी है, उसका ये एड्रेस है, ये जिनका वो माल दुकानदार बेच रहा है, तो जाहिर बात है वो दुकानदार जब उस फैक्ट्री के एड्रेस के रेफरेंस के साथ अपना माल बेचेगा तो वो ज़्यादा उसके लिए ईजी होगा कस्टमर को कन्विंस करना जो है इसके अंदर। तो बाकी ये कि इसके अंदर जो आपका प्रॉफिट रेशियो है, इसके अंदर जो है प्रॉफिट रेशियो, वो कुछ वाटर टैंक्स ऐसे हैं जिसके अंदर आपका 3% है, कुछ 4% है, कुछ 5% है, कुछ 6% है, तो ये वेरी करता है हर उसके ऊपर। वाटर टैंक्स के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, प्योर में, मिक्सिंग में, और क्या कहते हैं वाइट में, ब्लू में, ब्लैक में, तो हर एक वाटर टैंक एक अलग प्रॉफिट रेशियो है। तो ओवरऑल काम अच्छा है, आप अगर आपको दिल लगी के साथ और मेहनत के साथ करेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला इसमें बरकत डालेगा। तो इसके अंदर ये है कि आपके पास जो अच्छी क्वालिटीज़ के वाटर टैंक हैं उनकी गारंटीज़ भी होती हैं, आप दुकानदार को गारंटी भी देंगे अपनी प्रोडक्ट की, ताकि वो अगर कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसको गारंटी कार्ड देगा कि ये इसकी इसकी वारंटी है इसकी, कि वाटर टैंक 1 साल तक ख़राब हो गया तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेस करके देगा या उसकी 50% चार्जेस लेगा। ये आपकी सारी डील्स उससे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, आपकी हर दुकानदार से डिफरेंट डील्स उसकी डिसाइडेड होगी। अच्छा, और उसके बाद जब आपने माल देना शुरू कर दिया
तो उसमें रेंट पे, यानी आप उसको उधार पे देंगे और फिर ग्राहियाँ वगैरह सारा सिलसिला स्टार्ट हो देखिए, जाता है। आपने फॉर एग्जांपल किसी दुकानदार को 15,000 रुपये का माल भेज दिया, अब जब वो आपसे नेक्स्ट उसकी डिमांड जनरेट करेगा तो आप उसे अपनी, जाहिर बात है वो आपको उसने जो आपने उसको सैंपल्स के तौर पे पीस भेजे हैं अपने वाटर टैंक से, वो उनको सेल करेगा, फिर वो आपको दोबारा कहेगा कि मुझे 100 गैलन का या 150 गैलन का या 200 गैलन का मुझे वाटर टैंक एक और भेज दो, या 2-3 पीस भेजो, जो भी उसकी डिमांड रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर। तो ऑब्वियसली वो आपको पिछली पेमेंट क्लियर करेगा, तो आप उसको नेक्स्ट माल भेज दें, मतलब आपकी वो पिछली पेमेंट साथ साथ देता जाए और अगला माल नया लेता जाए। यानी कि अच्छा काम है अगर दिल जमी के साथ मार्केटिंग, अच्छे अखलाक के साथ काम किया जाए तो ये एक अच्छे अच्छा अखलाक के साथ फ्रूटफुल और काम मेहनत है। के साथ काम किया जाए तो ये बहुत अच्छा काम है। तो इसके बारे में पहले आप अपनी, सबसे पहले आपका होमवर्क यही है कि आप अपनी मार्केट अपनी विजिट करें। अगर आपकी मार्केट के ऊपर पूरी एक आपके पास इंफॉर्मेशन, उसकी पूरी हर चीज़ आपको मालूम कंप्लीट होगी, तो आपके लिए ईजी होगा उनको माल बेचना, अकॉर्डिंग टू उनकी डिमांड आप उनको माल मतलब सप्लाई करना आपके लिए ईजी होगा। अच्छा रिजवान साहब, आप हमें कुछ अपने देखने वालों को कुछ ऐसी बातें जो एक नए काम करने वाले के लिए मुफीद साबित होंगी वो भी कुछ बताना चाहेंगे, जिससे यानी कि स्टार्ट में वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखे और किन चीज़ों से बचे? देखिए, दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं और बुरे इंसान भी हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, जिस तरह 5 उंगलियां कहते हैं बराबर नहीं होती हैं, तो ये एक हकीकत है। तो जो भी नया काम आप शुरू करें, चाहे वाटर टैंक्स करें, चाहे किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करें, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ाती नीयत है। अगर आपकी अपनी ज़ाती नीयत बिल्कुल साफ़ है तो अल्लाह उसमें ज़ाहरी बात है बरकत इंशाल्लाह ताला ज़रूर डालेगा। आप बाकी हर इंसान के एक अपने नसीब होते हैं, तो अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला जो भी काम शुरू करें आप अपनी नीयत साफ़ रखें तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा नफ़ा होगा। कोई खतरात बताना चाहें आप, कोई अपने इसके ऐसी चीज़ें जिससे वो बचें? खतरात इसके अंदर देखें, क्रेडिट के काम में खतरा तो फिर होता ही है। आप कोई, आप कई प्रोडक्ट्स आती हैं जो 100% कैश पे बिकती हैं, कई प्रोडक्ट्स जो हैं कुछ कैश पे, कुछ उधार, कुछ 100% उधार पे बिकती हैं। तो हमारा काम, मैंने जैसे कि शुरू में आपको बताया कि 90% जो काम है हमारा क्रेडिट का ही है, तो इसके अंदर जाहरी बात है खतरा तो है कि मतलब कि क्या होता है। लेकिन आप अच्छी शॉप्स के साथ बिजनेस करें, अपने एरिया में देखें कि कौन सी बड़ी शॉप्स हैं, कौन से अच्छे लोग हैं, आप इधर उधर से उनकी मालूम लें, उनके साथ वाले जो दुकानदार बैठे हैं उनसे बारे में उनकी इन्फॉर्मेशन लें, तो आप उनके साथ बिजनेस शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला कोई खतरा नहीं होगा। बाकी आपकी नीयत साफ होगी तो अल्लाह बेहतर करेगा सब कुछ आपके। अच्छा सर, जब नया बंदा दुकानदार के पास जाता है तो दुकानदार को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ राज की बातें, ऐसी बातें बताना चाहें कि जो नया स्टार्ट करने वाला है वो कैसे उनके पास जाए और क्या उनसे, यानी किस तरह से अपने काम का आगाज़ करे? देखिए, आप पहले जब अपनी मार्केट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे कि यहाँ पर कौन सा क्वालिटी चल रही है, कौन सा डिज़ाइन चल रहा है, कौन सा साइजेस चल रहा है, तो आप कोशिश करें उसके अंदर, सबसे जो मेरे हिसाब से तो आपको मशवरा ये कि आप ऐसी प्रोडक्ट लेकर आएँ जो मार्केट में ऑलरेडी किसी के पास ना हो। आप फॉर एग्जांपल जिस तरह आप इसके अंदर 2 प्लाई है, 3 प्लाई है, 5 प्लाई है, 6 प्लाई है, अगर आप देख रहे हैं कि मार्केट में 2 प्लाई ज़्यादा बिक रही है, तो आप नई प्रोडक्ट 3 प्लाई लेकर आएँ ताकि दुकानदार उसके अंदर अट्रैक्ट हो, वो मजबूर हो के वो उसकी देखिए, अगर दुकानदार ने आपकी प्रोडक्ट पास कर दी तो ऑटोमेटिकली वो एंड यूज़र जो है उसको खरीदेगा, क्योंकि दुकानदार ने ही उसका माइंड बनाना है एंड यूज़र का कि ये प्रोडक्ट बेटर है इस प्रोडक्ट से, पुरानी प्रोडक्ट से। उसके अंदर डिज़ाइनिंग आप अच्छी वाली लेकर आएँ, आप इसके ऊपर इंटरनेट के ऊपर आपको बहुत सारी फैक्ट्रीज के एड्रेस मिल जाएंगे, तो आप उनसे मतलब ये सबसे सैम्पलिंग लेके, सबके पिक्चर्स वगैरह लेके, अपने ब्रोशर्स वगैरह बनाएं, दुकानदार को दिखाएं कि उनके आपके पास ये भी है, ये भी मिल सकती है, हर एक का एक रेट डिसाइड करें, तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। यानी अच्छा काम है, कोई भी बंदा इस काम को स्टार्ट करे, दिल जमी के साथ काम करे तो उसमें अच्छे मार्जिन वो कमा सकता है। हाँ बिल्कुल इंशाल्लाह ताला। अगर सर मुमकिन है चैनल के बारे में अपने क्या कमेंट्स देना चाहेंगे आप? माशाल्लाह मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, तो मैंने इसलिए आपसे कांटेक्ट किया था कि मैं भी लोगों के लिए चाहता हूँ कि मतलब लोग मेरा भी कुछ इसमें, मेरा जो एक्सपीरियंस है वाटर टैंक में उसको मैं लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, ताकि लोगों के लिए भी वो नफ़े का बाइस बने। तो माशाल्लाह मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ कि आप जिस तरह एक फ्रूट्स वाले के पास भी, वेजिटेबल्स वाले और ये शूज़ और टी शर्ट वगैरह के बारे में आपने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि चलें कम से कम लोग वो काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है आपके चैनल से। सर नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप जैसे माशाल्लाह कामयाब लोग, लोगों के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है और बड़ा मस्बत आप लोगों का मैसेज जाता है कि सर आप जैसे नौजवान लोग जो पढ़े लिखे भी हैं और माशाल्लाह वो नौकरी की तरफ नहीं अपना कारोबार कर रहे हैं, तो आप एक मैसेज जो नौजवानों को देना चाहेंगे? नौजवानों को देखें जी, मैसेज मेरा ये है कि डरना नहीं है बिल्कुल भी। कोई भी आप काम शुरू करें तो इस नीयत से करें कि आपने ये करके दिखाना है। जब आपकी नीयत साफ होगी और आपके जहन में होगा कि आपने ये करना है, डू और डाई वाला फार्मूला आप अपनाएं इसके अंदर, कि करें या छोड़ दें। अगर आपने जहन बना लिया आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, तो कोई भी बिजनेस है उसको बिल्कुल दिल लगा के और मेहनत के साथ करें, अपने काम को एंजॉय करना है आपने,
अपने काम को अपने बोर नहीं समझना, अगर आप अपने काम को एंजॉयमेंट के साथ करेंगे तो आपको करने का भी मजा आएगा और उसमें अल्लाह ताला बरकत भी ज्यादा डालेगा। यानी मुमकिन है करके दिखाना है। मुमकिन, बिल्कुल। आप एक दो मेरे साथ मिलके ऊंची आवाज में मुमकिन है कहिएगा। मुमकिन है जी नाज़रीन, बिल्कुल मुमकिन है। आप जो चाहते हैं मुमकिन है, जस्ट आपका जज्बा और आपकी नीयत मैटर करती है। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम मुमकिन है। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और तमाम जानने वालों के साथ मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर करें। आपका होस्ट शहरयार खान शेरवानी, अल्लाह हाफिज़।